प्रख्यात हिंदी कवि एवं समालोचक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य अकादमी की ओर से महत्तर सदस्यता अर्पण एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन रविवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित किया गया। प्रख्यात हिंदी कवि एवं समालोचक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से माला पहनाकर एवं अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। साहित्य अकादमी को महत्तर सदस्यता प्रमाण पत्र अर्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात हिंदी कवि एवं समालोचक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की दो पुस्तकों का सृजनात्मकता का विस्तार सबने कुछ दिया का विमोचन किया गया। इस मौके पर संवाद भवन में मौजूद विद्वत जनों को संबोधित करते हुए प्रख्यात हिंदी कवि एवं समालोचक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने अपने साहित्य अकादमी में किए गए कार्यों का वर्णन करते हुए महत्तर सदस्यता के लिए साहित्य अकादमी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक, साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास एवं कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र सहित बड़ी संख्या में विद्वत जन एवं लेखकगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र ने कहा, प्रतिष्ठित कवि और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष श्री माधवपुर प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्रा जी, प्रोफेसर अरविंदाक्ष पकड़ ली दो तरफ से, और बेहतर दुनिया के लिए नए सरीदा महसूस करेंगे, उनकी मातृभाषा तेलुगु है और वो अंग्रेजी में ना साइटेशन पढ़ के उन्होंने उसको हिंदी में पढ़ा। मैं फिर से शुरू करता हूँ। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर कंबार जी, उपाध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, सचिव श्री के श्रीनिवास राव जी, पदाधिकारियों के प्रति विशेष कृतज्ञ हूँ जो इसे देने के लिए दिल्ली से चलकर यहाँ आए। हमारे प्रेसिडेंट यानी कंबार जी पहली बार गोरखपुर आए हैं। यह सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सहित देश के इतने बड़े बड़े व्यक्तित्वों को प्रदान किया गया है कि इसे प्राप्त कर मैं न केवल अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं बल्कि संकोच का भी अनुभव कर रहा हूं। मैं 2008 से 2017 अर्थात 10 वर्षों तक साहित्य अकादमी के सभी चुने हुए पदों पर रहा। साहित्य अकादमी भारत की सर्वोच्च साहित्य संस्था है जो लेखकों की मातृ संस्था है। मुझे संतोष है कि अपनी योग्यता और क्षमता पर मैंने इस संस्था की जिम्मेदारियों का पालन किया। इस संस्था ने मुझे देश भर के लेखकों से मिलने और उन्हें जानने का अवसर दिया, मेरे अनुभव और ज्ञान को समृद्ध किया तथा मुझे प्रतिष्ठा दी। आज मैं कह सकता हूं कि ये 10 वर्ष मेरे जीवन के सर्वोत्तम वर्ष है। साहित्य जैसा कि शब्द में ही निहित है, सारी सृष्टि को साथ लेकर चलने वाला अनुशासन है। इसमें केवल मनुष्य ही नहीं, चर अचर, दृश्य और अदृश्य सब कुछ शामिल है। इस अनंत रूपात्मक जगत के प्रति करुणा और प्रेम को हमारे आचार्यों ने साहित्य का आधार भाव कहा है। इसी करुणा और प्रेम से न्याय भाव, विवेक बुद्धि और संघर्ष चेतना स्वयमेव उत्पन्न हो जाती है। प्रकृति ने मुझे जितनी क्षमता दी है उस सीमा के भीतर
अपने लेखन में इसी भाव को शब्द देने का प्रयास किया है। इस अवसर पर अपने वक्तव्य को लंबा करने की जगह मैं अपने नवीनतम संग्रह की एक कविता के द्वारा अपने भाव और विचार को व्यक्त करना उचित समझता हूं। कविता का शीर्षक है सूटकेस, न्यूयॉर्क से घर तक। न्यूयॉर्क में मेरा सूटकेस हवाई जहाज के बक्सों बीच टूट गया था और मेरे मन में यह भाव आया कि इसे वहीं छोड़ूंगा। फिर सूटकेस और मेरे बीच में जो संवाद होता है वही संवाद इस कविता में। इस अनजान देश में अकेले छोड़ रहे मुझे मेरे सूटकेस ने बेबस निगाहों से देखा, जैसे पर कटा पक्षी देखता हो गरुड़, क्योंकि गरुड़ पक्षियों के राजा होते हैं। उसकी भरी भरी आंखों में क्या था, एक अपाहिज परिजन की करार या किसी डूबते दोस्त की पुकार कि उठा लिया उसे जिसकी मुलायम पसलियां टूट गई थी हवाई यात्रा के मालामाल बक्सों बीच। कमरे से नीचे लाया, जमा कर दिया उसे होटल के लॉकरूम में इस बुरी नियत के साथ कि छोड़ दूंगा यहां यह अस्थिहीन अर्थहीन अस्थि बंजर। मगर चलते वक्त हवाई अड्डे फिर उठा लिया उसे $2 चुकाकर, जैसे कक्षा दो के अपने पुराने सहपाठी को जिसकी कीमत अब 2 कौड़ी भी नहीं रह गई थी। फिर नियत खोट हुई, हवाई अड्डे पर उसे छोड़ दिया। मगर उसकी डबडबाई आकुल आंखें उस पिता जैसी लगी जो 90 पार की उम्र में अकेले पड़े हुआ हूं। मुझे लगा अभी खतरे के सायन बजेंगे, घेर लेंगे इसे सैनिक और जासूस, रेसा रेसा उधेड़ देंगे इसका जो कभी एक कलाकृति था अपनी जवानी। उतरा जब दिल्ली हवाई अड्डे, उसकी पीठ और पेट चिपक गए थे एक में, बदलू मुसहर की तरह जो भूख से मरा या मलेरिया से, इस पर बरसों बहस चली थी मीडिया और संसद। दिल्ली में उससे छुड़ा लेना चाहता था पिंड, जो 4 बार विदेश यात्राओं में सहयात्री रहा, मगर आखिर वह आ ही गया मेरे साथ गोरखपुर, उस गाय की तरह जो काहर के हाथ से पगहा झटक कर लौट आई वो अपने पुराने खूंटे पर। और अब वह मेरे पुराने सामानों बीच विजयी सा मुस्कुरा रहा, चुनौती देता और पूछता मुझसे क्या आगे बढ़ने के लिए जरूरी है उन्हें पीछे छोड़ देना जिनके पास भाषा नहीं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में बहुत सी स्मृतियां हैं क्योंकि मैं 10 साल साहित्य अकादमी में रहा हूं और अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी तथा सचिव जी तीनों के साथ मुझे बड़े कठिन क्षणों में भी काम करना पड़ा है और ऐसे ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जो सिर्फ फाइलों में कैद हैं, लोग नहीं जानते। और वो
उनको जानने की जरूरत भी नहीं है। अखबारों के माध्यम से किसी एक दो घटनाओं के बारे में जो लोगों को पता है उतना ही लोग जानते हैं, और कितनी यात्राएं साथ साथ करनी पड़ी हैं, ये सब आंतरिक स्मृति की चीजें हैं जो मन मिली हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साहित्य अकादमी का और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आयोजन इसलिए हुआ है कि हिंदी के यशस्वी कवि और आलोचक साहित्य अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य अकेडमी का जो सर्वोच्च सम्मान है उसकी 72 सदस्यता वो अर्पित की गई है। ये इसका महत्व ये होता है कि ये साहित्य अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक साथ पूरे सभी भारतीय भाषाओं को मिलाकर कुल 21 लोगों को ये सम्मान दिया जाता है और इस एक साथ 21 लोग ही पूरे देश में इस सम्मान के हकदार होते हैं और यह फैसला साहित्य अकेडमी की जनरल काउंसिल करती है। इस बार पिछले दिनों साहित्य अकेडमी की जनरल काउंसिल ने प्रोफेसर तिवारी को यह सम्मान अर्पित करने का निर्णय लिया था। इस सम्मान की यह भी परंपरा है कि यह लेखक जहां का होता है वहीं जाकर यह सम्मान दिया जाता है, इसलिए यह सम्मान गोरखपुर में इस रूप में आयोजित किया गया है।